चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लालबरा पुलिस ने चोरों का निकाला जुलूस, चोरों ने लगाए नारे, कहा चोरी करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। लालबरा के ग्राम अमोली में एक सुने मकान में चोरी की घटना हुई, जहां अज्ञात चोरों ने सुने मकान में ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वही लगभग 7 लाख के कीमती जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने लालबरा थाना पहुंचकर शिकायत की थी। घटना की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी, तभी मुखबिर की सूचना पर संदेह अमीर व दिल शाह खान प्रार्थी विनोद जैन के घर की तरफ दिखाई दिए थे, जिन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर उन्हें राउंडअप किया और पूछताछ की, जहां उन्होंने 14 मार्च को ग्राम अमोली में एक सुने मकान में चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। इस प्रकरण में चोरी का माल छिपाने में आरोपी दिलसाद की मदद करने वाले अन्य चारों लोगों को पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक युवती भी शामिल है। इसके अलावा आरोपी दिलसाद से चोरी का माल खरीदने के आरोप में महाराष्ट्र गोंदिया के महावीर ज्वेलर संचालक सुधीर जैन को भी गिरफ्तार किया गया है और चोरी के जेवरात बरामद किए गए। इस पूरे के मामले के खुलासे के बाद सभी आरोपियों को पुलिस ने नगर में पैदल जुलूस निकाला और फिर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। वहीं पैदल जुलूस निकालते समय आरोपियों ने नारे लगाए, चोरी करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। मार्च को जो विदो जैन कपड़ा पैसा की चोरी हुई थी, उसके जो गिरोह को गिरफ्तार किया गया है, तो कितने आरोपी और क्या क्या बरामद किए? ये घटना दिनांक 15 मार्च 2000 को प्रार्थी विनोद द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट लेकर आई थी कि जब ये 14 मार्च को वारा सिंह अपने परिवार के साथ किसी काम से गए थे, तब शाम को जब ये लौटे तो इनके घर के ताले फटे हुए थे और जो भी इनके कीमती ज्वेलर सोना चांदी के सामान और नकदी अज्ञात चोरों द्वारा घटना को पारित किया गया था। इनकी रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया धारा 453 IPC और 380 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। अपराध तत्काल पंजीबद्ध कर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए घटना स्थल पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विजय डावर सर और अनुभागीय अधिकारी पुलिस श्रीवास्तव सर घटनास्थल पर आए और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तत्पश्चात प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए इसमें लगातार विवेचना की गई, घटनास्थल के निरीक्षण एवं मुखबिर द्वारा सूचना से हमको ये ऐसा प्राप्त हुआ कि ऐसी जानकारी आई कि अमोली निवासी आमिर घटना दिनांक को उनके घर के आसपास देखे गए थे, जिसको हमने तत्काल तत्परता से उसका अभिरक्षा में लिया। उसका अभिरक्षा में लेने उपरांत उनसे पूछताछ की गई, जिसने घटना अपने साथी दिलसाद गड्ढा मोहल्ला निवासी बालाघाट दिलसाद के साथ घटना को स्वीकार किया और उसने यह बताया कि घटना उसके द्वारा कार्य की गई, जिससे कान की बाली और कुछ नकदी और एक नग सोने की कान की बाली और एक सोने का पेंडल जब्त किया गया था। आरोपी आमिर को माननीय न्यायालय पेश किया गया और जो फरार आरोपी था दिलसाद, इसकी पतरसी है तो हमने बेंगलोर टीम रवाना की गई। बेंगलोर से जब ये लौट रहा था गोंदिया में इसे आरोपी दिलसाद को हमने के उपरांत इसने स्वीकार किया कि इसने आमिर के साथ घटना दिनांक को प्रार्थी विनोद जैन के घर पर घटना कारित किया है और इसी के तहत इसने यह भी बताया कि जो घटना में जो चोरी का माल था उसको बेचने में और उसको छुपाने में जो अन्य चार साथियों का नाम बताया उन्होंने, इसको भी हमने धारा 411 413 414 के तहत इन्हें गिरफ्तार किया है। प्रकरण में चोरी के माल के संबंध में जो सुधीर जैन निवासी गोंदिया इनके द्वारा खरीदा गया था, इन्हें भी प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। सर कितने मुख्य आरोपी हैं सर इसमें? इसमें मुख्य आरोपी दिलसाद आमिर के अतिरिक्त 3 अन्य आरोपी हैं जिन्होंने इनकी सहायता की है माल को छुपाने में और एक आरोपी और है जिन्होंने माल खरीदा है। कुल 6 आरोपी प्रकरण में गिरफ्तार किए गए। सर कोई महिला भी है सर इसमें? एक आरोपी दिलसाद की पत्नी है, सीफा पति दिलसाद खान निवासी
गड्ढा मोहल्ला अमोली। सर बरामद में क्या क्या किए जो चोरी हुई है? बरामदगी में लगभग जो प्रार्थी के बताया अनुसार हमने 70% बरामद भी किया। सर जैसे पूर्व में जो चोरियाँ हुई लालबर्रा में व्यापारी के घरों में, तो इन्हीं के तो हाथ इसमें वो नहीं है, ऐसा कुछ सामने आया कुछ कार्य? इसमें हम अभी आरोपियों का रिमांड ले रहा है और रिमांड में और पूछताछ करेंगे, ऐसे यदि साक्ष्य मिलते हैं तो उसके अलावा कुछ कार्रवाई करेंगे। कीमत सर की कीमत कितनी होगी? कीमती लगभग 7 से 8 लाख करीबन। सर प्रार्थी के द्वारा बताया गया था 12 लाख के जो रहा था और 20,000 रुपये नगद। अभी हम आरोपियों का अभिलाषण ले रहे हैं और यदि इसमें तस्दीक करते हैं और इसमें यदि कोई जब्त सुधा छूट गया तो उसमें और अग्रिम नोटिस। ठीक है, आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।